और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है परवल की सब्जी, जो बिना मसाले के द्वारा तैयार की गई है। जीरा तथा आलू के साथ बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको पराठे या दाल चावल के साथ, जल्दी में हो तो आप टिफिन में भी इसको लेके जा सकते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, थोड़ी सामग्री से बन जाती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामग्री है वह इस तरह की। इसकी सूखी सब्जी परवल तथा आलू से हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने परवल लिया है 300 ग्राम तथा 200 ग्राम आलू है। सबसे पहले हमने परवल को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल के इसको साफ कर लिया है और आलू के छिकले को हम निकाल लेंगे। पहले हमने परवल को छील के इसकी बता देते किस तरह से इसके हमने पीस में काटने हैं। इस तरह से इसको हमने चाकू की सहायता से ऊपर के पूरे छिकले को उतार देना है। इसका ऊपरी छिकला निकालने के बाद हमने ऊपर नीचे के हिस्से को काट देना है और 20 से 2 भाग करने के बाद एक पीस में 4 से 5 पीस निकाल लेते हैं। पतली ही काटते हैं, पतली अगर आप काटेंगे सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। ऐसे हमने सारे परवल को काट के तैयार कर लेना। इस तरह देखिए, हमने परवल को पूरे काट के तैयार कर लिया। आलू के ऊपरी छिकले को अपने निकाल के तैयार कर लिया। परवल जितना पतला कटेगा सब्जी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। ऐसे ही हमने आलू के 2 भाग कर लिए और एक में करीब 5 से 6 पीस निकालते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, आपको दिखा देती। इस तरह हमने काट के तैयार करना है। वो परवल दोनों को हमने देखिए काट के तैयार कर लिया है। एक थाली ले लेते हैं जिसके अंदर हमने आलू परवल दोनों को मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको 2 से 3 पानी से हमने धुल के साफ कर लेना है। इसको धुल के हमने तैयार कर लिया। आधा टेबल स्पून हमने नमक लिया तथा आधा टेबल स्पून जीरा लिया। इसमें हमने कोई मसाले का उपयोग नहीं किया। अब इस 2 हरी मिर्च हम काट रहे हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसके अंदर लाल मिर्च का उपयोग भी कर सकते हैं। गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दी, उसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया। बहुत ज़्यादा तेल के द्वारा ये सब्जी तैयार नहीं होती और तेल ये देखिए गर्म हो गया। अब इसके अंदर हमने जीरा डाल देना। जीरा डाल दिए और साथ ही साथ जीरा थोड़ा सा होने के बाद इसके अंदर हमने मिर्च डाल दी। हमने थोड़ा सा भून लेना है और भूनने के बाद देखिए इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर जो हमने परवल आलू मिला के रखा है, पूरे परवल आलू को इसके अंदर हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। और देखिए इस तरह से मिल के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने आधा टेबल स्पून जो नमक लिया है उसको डाल देते हैं। सब्जी को हमने अच्छी तरह से चला लेना है और चलाने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के करीब 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। मिर्च और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 5 मिनट हो गया है, सब्जी एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से पक के तैयार हुई। देखिए कितनी बढ़िया पक गई, बहुत जल्दी पक जाती है, बिल्कुल भी समय इसके अंदर नहीं लगता। 2 मिनट के लिए दोबारा से हमने ढक के छोड़ देना है। बीच बीच में सब्जी को हम चलाते रहते हैं और चेक करते रहते हैं सब्जी नीचे से लगे नहीं। और ये देखिए इस तरह सब्जी पूरी तरह से पक के तैयार। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सब्जी को हमने भून लेना है, जिससे थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद बन के तैयार होता है। आप अपने घर परिवार में हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। अपने घर परिवार बच्चों तथा अपनों के लिए प्यार से आप कोई भी चीज़ बनाते हो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो ज़रूर लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना और मुझे कमेंट करके बताना कि इस तरह आपने सब्जी बनाई तो कैसी बनी। रोज़ रोज़ अगर आप मसाला खा के बोर हो गए हो तो ज़रूर इस तरह एक बार सब्जी ट्राई करिएगा। जीरा परवल आलू की बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, झटपट भी बन जाती है। बिल्कुल समय गवाएं, इसको फटाफट बना के इसका स्वाद ले सकते हैं। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। श्वेता पाक कला, बाय दोस्तों एंड टेक केयर।